तो आज हम लोग ये चैप्टर में पीएलसी में इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं वो देख सकते हैं। तो पहले तो हम लोग बिट लॉजिक्स में जाएंगे, उसमें आप देखोगे एनओ कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट, बाद में आपको अगर पॉजिटिव एज लेना है, नॉट लेना है, नेगेटिव लेना है, आउटपुट कॉइल लेना है, तो आप इससे ले सकते हो। यहाँ पे हम लोग जैसे रिक्वायरमेंट होगी आपको वैसे आप लिख सकते हो। क्लॉक की अगर आपको इंस्ट्रक्शन लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हो यहाँ से, रीड और राइट दोनों इंस्ट्रक्शंस आप लिख सकते हो। कम्युनिकेशन अगर आपका है अलग अलग टाइप का, गेट पुट या तो गेट एड्रेस सेट एड्रेस, कंपेयर इंस्ट्रक्शन हो गई, आप कंपेयर इंस्ट्रक्शंस कर सकते हो बीट इन फॉर्म ऑफ बीट बाइट इंटीजर डबल वर्ड, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लेना है। काउंटर्स हो गया है, अप काउंटर डाउन काउंटर हो गया है, बाद में आपको कोई अगर कोई मैथमेटिक्स मीन्स आपको फ्लोटिंग रियल वैल्यू अगर आपको एड सबसेक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविज़न करना है तो वो भी कर सकते हो। इंटीजर में भी वो आप कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू में यानी आपका ओनली पॉजिटिव वैल्यू को भी आप कर सकते हो। इंटरप्ट हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर, मूव इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कई सारे हैं। बाद में टाइमर भी हो गया, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर। तो हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई मुझे वर्ड को मूव करना है तो हम लोग इसमें आप देखेंगे तो वैल्यू मूव करने के बाद अगर सपोज मैंने मान लिया कि मुझे वर्ड को मूव करना है, बाइट भी कर सकते हो, वर्ड को भी मूव कर सकते हो, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सपोज मान लो कि वी डब्ल्यू ज़ीरो मैंने मूव किया और ये जगह पे मैंने किया है वी डब्ल्यू टू, सॉरी वी डब्ल्यू टू। आपको कोई भी वर्ड जो रहता है उसमें आपको एक वर्ड छोड़ के दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ड में दो बाइट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू इसमें जो वैल्यू पास करेंगे वो सीधी जाएगी वी डब्ल्यू टू में। सिमिलरली आप डबल वर्ड को भी ऐसे ले सकते हो। अगर मुझे ब्लॉक मूव करना है, सपोज़ मान लीजिए कि मैंने ये इंस्ट्रक्शन लिखी, अगर मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ से चालू होती है वी डब्ल्यू फोर, और कितने नंबर तक की वैल्यू आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि वी डब्ल्यू फोर के बाद आती है वी डब्ल्यू, सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डाला है वी डब्ल्यू फोर डाला है, सॉरी ब्लॉक मूव वर्ड ले लेते हैं, वी डब्ल्यू फोर मैंने यहाँ पे डाला है, तो कितने वर्ड आपको ट्रांसफ़र करना है। सपोज मैंने लिखे है तीन, और उसके अकॉर्डिंग टू यानी वी डब्ल्यू फोर, वी डब्ल्यू सिक्स एंड वी डब्ल्यू एट, तीनों वर्ड की जो भी वैल्यूज है वो आपकी जाएगी सीधी जो आप डिफाइन करते हो यहाँ पे वी डब्ल्यू। मान लीजिए कि मैंने पकड़ा है वी डब्ल्यू टेन, तो तीन वर्ड जाएंगे कि वी डब्ल्यू टेन, वी डब्ल्यू ट्वेल्व एंड वी डब्ल्यू ट्वेल्व में वैल्यू चली जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये एक मूव का इंस्ट्रक्शंस हो गया। उसके बाद में हम लोग एक और इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए काउंटर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने काउंटर अप काउंटर की इंस्ट्रक्शन लिया है ले रहा हूँ मैं, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हो। सी ज़ीरो मैंने एक लिया है, प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, सॉरी वी डब्ल्यू आप पकड़ लीजिए कि भाई 12 के बाद 14 में हम लोग उसकी वैल्यू कराएंगे। और यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे कि कोई एक बिट M 2.0
हम लोग रिसेट करवा सकते हैं, इससे काउंटर रिसेट हो सकता है आपका। एक सिस्टम भी ले सकते हैं F4 M0.5, सॉरी SM0.5 लेना पड़ेगा। 1 सेकंड की पल्स लिया है, तो ऐसे करके हम लोग ने काउंटर का भी लॉजिक लिखा हम लोगों ने। अब हम लोग लिखते हैं तो एक टाइमर की इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, तो टाइमर पे भी वैसा ही है। तो टाइमर में पहले तो ऑन डिलेट टाइमर पकड़ लीजिए आप। सपोज मैंने लिखा है ऑन डिलेट टाइमर में T0, ऐसा पकड़ लीजिए कोई भी एक T37 ले लेते हैं, शायद वो 100 मिलीसेकंड का टाइमर है। 100 मिलीसेकंड का टाइमर आप लेते हो तो आपका यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैंने 100 रखा है, तो आपका 10 सेकंड का ये टाइमर मीन्स 100 डिवाइड बाई 1000 यानी 0.1 × 100, तो 10 सेकंड आपका डिले टाइम हो गया। तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सेव करके कंपाइल करना पड़ेगा आपको। एरर दिखाई, क्या दिखाया आपको, इससे आगे आपको वो लेना पड़ेगा। एक कोई भी एक बीट ले सकते हो, मैं ऑलवेज ऑन का बीट ले लेता हूँ। हम लोग कंपाइल करेंगे, 0 एरर 0 वार्निंग, समझ रहे। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। मैं PLC में केबल लगा रहा हूँ, तो ये लॉजिक को हम लोग अभी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये रन क्लोज करके इसको ऑनलाइन कर सकते हैं हम लोग फास्ट। तो आपका पहले तो हम लोग जो वैल्यू है वो चेक कर लेते हैं क्या क्या है। पहले हम लोग ऐसा पकड़ लेते हैं कि भाई वैल्यू सपोज मान लीजिए हम लोग एक स्टेटस चार्ट में भी देख सकते हैं कि भाई सपोज VW0 में अगर मैंने वैल्यू अभी है, जीरो वैल्यू है अभी,